शेख रशीद कहते हैं इंटरव्यू शुरू हो चुके 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। साबिक विफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने दावा किया कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती और इसके लिए इंटरव्यूज का भी आगाज हो चुका। अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज 2 साल हो गए और मुझ पर 14 केसेस हैं मगर अभी तक चलान नहीं मिले। पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर 9 मई के मुकदमात में नाम डाले। जो 4 दिन जेलों में नहीं रहे इन्होंने 164 के बयान दिए। इन्होंने कहा कि मेरा 40 किलो वजन कम हुआ, कभी नहीं सोचा था गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। पुलिस हमारी खवातीन का सेवन, मेरी घड़ियां और मेरे शूज भी ले गई। मेरी गुजारिश इन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता था। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील, आम माफी का ऐलान किया जाए। शेख रशीद का कहना था हमारे केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी भी आ चुके मगर हमने इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लीडर और वर्कर्स को अलग अलग किया जाए, मेरा एक बंदे से ताल्लुक पूरी जमात से कोई वास्ता नहीं। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि 31 अगस्त का दिन बहुत अहम, हुकूमत अपना सामान बांध रही, मैं 31 अगस्त से मुकम्मल फॉल होने जा रहा। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती और टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए इंटरव्यूज का भी आगाज हो चुका। जो कुछ होने जा रहा वो बहुत बुरा है। इनका कहना था जितने लोग जीते वो सब प्लानिंग के तहत जीते, मेरे वोट निकाल ले गए मगर मैं हारा हूँ और अपनी शिकस्त तस्लीम करता। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं और ना ही कोई इनकी सुनता। शहबाज शरीफ लेट चुके मगर नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे।